ये जो गैलरी का पूरा रास्ता है ना, इसको छोड़ करके बैठे, रास्ते को पूरा छोड़ दें, साइड से बैठ जाएं। और सभी माताओं से निवेदन है कि पीछे तक, जहां तक ये पंडाल है, इधर की जगह तो फिर वहां तक बैठ जाएं पीछे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान। मंगलानां च कर्तारौ वन्दे श्रीरामं भूयो
वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्व शशंकरोपिणं यमाश्रितो Yeah.
और मन को निर्मल करने के लिए उसे गति विमति प्रदान करने के लिए कुछ देर प्रभु श्री राम नाम का संकीर्तन, उसके बाद कथा प्रारंभ। Oh, yeah.
अयोध्यापुरी रूपी पंडाल में प्रभु श्री राम का प्राकट्य होने वाला है। सौभाग्यशाली हैं आप
जो रहा की कथा का प्रसंग भी रहा था कि बुद्धि को मन से विभक्त करके उस परमात्मा को पुकारेंगे तो वो परमात्मा अवश्य सुनने वाला है। अवतरणिका, अवतरणिका का मतलब है अवतार लेना। अवतरणिका सीढ़ी को कहते हैं और सीढ़ी से केवल चढ़ना नहीं उतरना भी चाहिए। भक्तों के वश की बात नहीं कि वो चढ़ जाएं उस तक, इसलिए सबकी पुकार पर वो स्वयं उतर कर आ जाता है, इसलिए वो अवतरित हो जाता है, अवतार ले लेता है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके अवतरण के साक्षी बने। ये पावन पंडाल अयोध्या पुरी है। इस समय यहाँ राम का प्राकट्य होने जा रहा है और मैंने पहले दिन कहा था कि हम सभी एक 9 दिन की यात्रा तय करेंगे प्रभु श्री राम के पदचिन्हों का अनुकरण करते करते, उनका अनुसरण करते करते, उनके पीछे 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 हम पहले अयोध्या पुरी, फिर मिथिला, फिर लंका में अपने हृदय में बैठे रावणों का वध कर वापस अयोध्या पुरी में आएंगे और 9वें दिन खेरोट में राम राज्य स्थापित करेंगे। प्रभु श्री राम का राज्य तिलक यहाँ होगा। राज्याभिषेक पावन नगरी में होने जा रहा है। परमात्मा को पुकारना पड़ता है धैर्य के। पुरी में टाट से ठाट में प्रकट हो चुके हैं। 22 जनवरी को उनका प्राकट्य हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वो मूर्ति नहीं है, उसमें प्राण की प्रतिष्ठा हो चुकी है। लोग कहते हैं कि आप मूर्ति पूजन करते हैं, आप मूर्ति पूजन में भरोसा करते हैं। कहते हैं हम मूर्ति पूजन में भरोसा बिल्कुल नहीं करते। नवरात्र में आप सब 9 दुर्गे की मूर्ति प्राण है। गणेश चतुर्दशी पर अभी कोई कहे कि आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, कहेगा बिल्कुल नहीं करते। हम परमात्मा के प्राण में ही विश्वास करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति में जब हम उसमें विश्वास करते हैं, जब हम उसकी पूजा करते हैं। उससे पहले तो हम उसे मोल भाव करके लाते हैं कि ये गणपति 150 का नहीं, 150 का महंगा है, 75 का नहीं, 100 का नहीं, 50 का ही दे दो, मोल भाव करके लिए गए हैं। लेकिन अब इसे कोई 1 लाख में भी बेचे तो क्या मैं दे दूंगी? कोई मुझसे मांगे आप देंगे क्या अपने घर में देवालय में रखी मूर्ति को? कोई अभी कहे कि 1 करोड़ रुपए में आप बालाजी ये दे दो, आप देंगे? क्योंकि अब उसमें प्राण है। तब वो बेची और खरीदी जा रही थी, तब वो मूर्ति थी। इसलिए कहिएगा नहीं, हम मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हम प्राण में ही विश्वास करते हैं। उस मूर्ति में हमारा परमात्मा अवस्थित है। और जब हम प्राणों की विदाई कर देते हैं गणेश चतुर्दशी पर, गणपति जी विदा हो जाते हैं, तो हम उसी मूर्ति को जल। ये हिंदुओं के टूटे हुए स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा है जो अयोध्या में 22 जनवरी को हुई है। ये हमारा टूटा विश्वास था, ये उन ऋषियों का जिन्होंने 500 वर्ष प्रतीक्षा की है। अयोध्या में ऐसे ऐसे महात्मा ऋषि हैं जिन्होंने चरण पादुकाएं त्याग दी। 500 वर्ष हो गए चरणों में पादुकाएं नहीं, अपना मुकुट त्याग दिया कि दर्शन करेंगे तो मंदिर के उस दिन करेंगे जिस दिन हमारे राम लला टाट से ठाट में, क्योंकि परमात्मा हमसे टाट में अपना देखा नहीं जाता। वो मूर्ति नहीं है, वो प्राण है। हम अपने परमात्मा को भगवान राम जब वन गए तो अयोध्या वासियों के नेत्रों से अश्रु बहे। 14 वर्ष प्रतीक्षा की है। केवट ने उसी नौका को बैठकर गंगा नदी के किनारे प्रतीक्षा की है, प्रभु जब आएंगे अब मैं चली। ये जो नौका है ना, ये मेरी साधना बन चुकी है, ये मेरा साधन बन चुकी है। केवट ने 14 वर्ष वही केवट पुष्प तोड़ कर लाता, नौका पर चढ़ाता था, वही केवट की साधना बन चुकी थी नौका। इसलिए ये प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति की नहीं है, हमारे स्वाभिमान की है, हिंदुओं के टूटे हुए स्वाभिमान की प्रतीक्षा है। उस प्रतीक्षा का परिणाम है ये, जो परमात्मा आए हैं, जो ऋषियों ने 500 वर्ष की है। ये न्याय है, ये सत्य की जीत है और असत्य को हराया गया है। और परमात्मा बताता है सदैव कि जब जब सत्य और असत्य लड़ते हैं देर भले हो जाए। कल आपने भजन सुना था ना, जिसकी नैया राम भरोसे डोल भले सकती है डूब नहीं सकती है। ये सत्य की जीत है, ये न्याय है उन कार सेवकों के साथ, उन वीरों के साथ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस मंदिर में। ये न्याय है उन माताओं के साथ जिन्होंने अपने कोख का बलिदान दिया है, उन पत्नियों राखी भाई की कलाई उस राम मंदिर में आहुति दी है। ये न्याय है, ये सत्य की जीत है। और आज आपके उस पावन पंडाल में उसी राम का आगमन होने वाला है।
और हम सब उसके साक्षी हैं। एक तो हम राम मंदिर को देखने के साक्षी बने हैं, ये हमारा सौभाग्य ही है। लोगों ने प्राण दे दिए पर देख नहीं पाए रामलला को, लेकिन परमात्मा बड़ा सहज है, सरल है, वो आता जरूर है, देर हो सकती है लेकिन जीती है। राम इस भारत की आत्मा है, भारत का पर्याय है। राम राम को भारत से विभक्त नहीं किया जा सकता, धर्म का पर्याय है, विग्रह है, राम विग्रहवान धर्म। राम को धर्म से और धर्म को राम से विभक्त नहीं कर सकते आप हैं। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है और बिना राम के धरती पे ये भारत भारत वर्ष कहाँ है। और आप सौभाग्यशाली हैं जो भारत में जन्मे हैं, जहाँ परमात्मा बार बार अवतार लेकर आता है, पहले राम के रूप में, फिर कृष्ण के रूप में। और बड़ी बात तो यह है कि कलयुग में भी जो कल्कि का अवतार होना है, वो ग्रंथों में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के संबल जिले में से भारत में होना है। हमारे यहाँ परमात्मा अवतरित होता है। अन्य धर्म वाले लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो परमात्मा नहीं आता, तुम्हारे यहाँ क्यों आता है। हमने कहा तुम्हारे परमात्मा में वो सामर्थ्य नहीं है, वो आए, वो अपने दूतों को भेजता है। लेकिन हमारे परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ कर, वो जो चाहे वो कर सकता है। कथा की सुंदर बेला कल चल रही थी, आप सभी की आंखें मैंने नम होते देखी। और मैं जब पहले दिन यहाँ व्यासपीठ पर बैठी थी तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि यदि आप निर्मल मन मुझे देंगे, वो वादा मैंने नहीं, व्यासपीठ ने आपसे किया था। मैंने कहा था कि इस व्यासपीठ का ये वादा है कि यदि आप मुझे 9 दिन तक अपना निर्मल मन देंगे तो ये वादा है कि मैं 9वें दिन आपको राम देकर जाऊंगी। और जब आपकी आंखों से मैंने आंसू गिरते देखे तो मैंने ईमान लिया कि मैंने आपको राम दिया। मेरा यहाँ तक वृंदावन से चलकर आना सार्थक सिद्ध हुआ। और बड़ी बात यह है कि अश्रु जो बहना है वो तो बहना है, तो इससे अच्छा है अश्रुओं को परमात्मा के लिए बहा दो, फिर वो संसार के लिए अश्रु बहाने नहीं देगा आपको। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जब हम रोते हैं नेत्रों से अश्रु आते हैं तो हृदय को बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन परमात्मा के लिए जब अश्रु बहते हैं तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है, उन अश्रुओं में बड़ा सुख होता है। इसलिए कभी कभी तो ऐसा किया गया नहीं कि जब रोने का मन हो तो परमात्मा के जाके उसके चरणों में अपने मस्तक को रख के दरवाजा बंद करके खूब रो लें, क्योंकि यदि वहां रो लेंगे तो संसार में रोना नहीं पड़ेगा, उसके दरबार में नाच लेंगे तो संसार में नहीं नाचना पड़ेगा, उसके सामने हाथ फैला लेंगे तो संसार के आगे फैलने नहीं देगा। इसलिए केवल परमात्मा ऐसा है कि जिसके लिए रोने में भी सुख है, बड़ा आनंद मिलता है, हृदय को बड़ा सुकून मिलता है। झांकी सजाई गई और लव और कुश व्यासपीठ पर बैठकर ये राम कथा श्रवण करा रहे हैं। पहले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ये व्यासपीठ लगी जिस पर ऋषियों ने अपनी तपस्याएं नौछावर कर दी। कहते हैं प्रत्यक्ष में दर्शितम, ऐसा दर्शन कराया लव कुश ने कि लोगों को लग रहा था कि प्रत्यक्ष सीता राम हमारे सामने है। और कथा का उद्देश्य भी ये है कि जब तक वक्ता श्रोता को उस दृश्य में लेके ना पहुंच जाए तो कथा पूर्ण नहीं होती। वक्ता का यह कर्तव्य है कि वो श्रोता को प्रत्यक्ष दर्शन कराए। जब आप कोई फिल्म देखने पिक्चर हॉल में जाते हैं तो पिक्चर जब तक हिट नहीं होती, जब तक डायरेक्टर आपको जोड़ ना दे, वहां किसी की मृत्यु होती है, वो तो नाटक कर रहे हैं, लेकिन आप रो जाते हैं। जबकि आप जानते हैं कि हम ये नाटक देख रहे हैं, ये टीवी में सीरियल है, लेकिन वो डायरेक्टर की कलाकारी है कि वो आपको उस भाव में पहुंचा देता है। ऐसे ही कथा में भी व्यास की ये कलाकारी है और व्यास का ये उद्देश्य और ये कर्तव्य भी है कि वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन कराए। लवकुश ने तो ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन कराए हैं, ऋषि कहते हैं अहो गीतस्य माधुर्य श्लोका नाम च विशेष है। आहा, ये बालक कितने मधुर गीत में गा रहे हैं, कितना स्पष्ट व्याकरण का इनका उच्चारण हो रहा है, कितने सुंदर तरीके से बालक अलाप के साथ वीणा के तान पर इन श्लोकों को गा रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कराए हैं। ऋषियों ने अपनी तपस्याएं दान कर दी है, अपना आसन दान कर दिया है। प्रभु श्री राम के दरबार में सुंदर व्यासपीठ का आयोजन किया गया है।
स्वर्ण सिंहासन स्वर्ण व्यासपीठ लगाई है प्रभु श्री राम ने और अपने दोनों बालकों का पूजन किया है। आज पिता बालकों के चरण स्पर्श कर रहा है लेकिन उस वक्त वो बालक बालक नहीं है। राम जी लवर कुश का चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं, स्वयं वेदव्यास जी का, क्योंकि वो व्यासपीठ है, वो व्यास का पूजन कर रहे हैं। वरना आप कहेंगे कि पिता पुत्र के पैर छुएगा तो पाप लग जाएगा, पुत्र नहीं, नहीं उस वक्त वो पुत्र है ही नहीं, उस वक्त वो साक्षात विष्णु का ही पूजन कर रहे हैं। बैठे हैं राम जी अपने स्वर्ण सिंहासन पे जाकर अवस्थित हुए हैं। बालकों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया है, अपने कुल की मर्यादा का वर्णन करना प्रारंभ किया है और फिर जैसे ही बालक बताते हैं कि ये जो हम चरित्र सुनाने जा रहे हैं ना, ये सीतायास चरितम महत है, ये सीता का चरित्र है। जैसे ही राम जी और माताएं तीनों माताएं बैठी हैं, माता कैकेयी सुमित्रा कौशल्या गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हैं और जैसे ही बालक कहते हैं कि ये माता का चरित्र है सीतायास चरितम है, सब अपना सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आकर बैठ जाते हैं उस जगदम्बा के सम्मान में। जब तक ये जाना कि ये कथा राम की है, राम जी स्वर्ण सिंहासन पे हैं, लेकिन जैसे ही जाना कि जानकी का चरित्र छोड़ दिया स्वर्ण सिंहासन और उठकर भी कैसे गए हैं, लिखते गत सने ही ऐसे गए हैं राम जी की जब कथा समाप्त हो गई है तब श्रोताओं को पता चला कि राम जी हमारे बीच में बैठे थे। इतने खो गए श्रोता उस कथा में और राम जी भी धीरे से आए हैं। आप जब कथा में आते हैं तो सबको डिस्टर्ब कर देते हैं, उससे आपको पाप लगता है। क्यों लगता है पाप? क्योंकि दूसरा व्यक्ति यदि उस क्षण परमात्मा के चिंतन में है, जुड़ा हुआ है और आपने आकर उसको डिस्टर्ब कर दिया तो उसकी साधना को तोड़ने का पाप आप पर लग जाता है। इसलिए जब भी कथा में आए जाए आपको बीच में उठकर जाना हो, ये जीवन जीना सिखा रही है कथा, इसके हर श्लोक में रहस्य छिपा है। ऐसे आए हैं धीरे से कि बाद में पता चला है। ये बात लिखने का क्या मतलब था? चरित्र दर्शाते, लेकिन बताना है आपको कि कथा में कैसे बैठ। ऋषि एक एक शब्द ऐसे ही नहीं लिखता है, एक शब्द के पीछे बड़े बड़े गूढ़ रहस्य लिखे। सिंहासन को छोड़ते हैं, भूमि पे आकर बैठते हैं, कथा करना प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं प्रशस्त मानो सर्वत्र कदाचित तत्र गायको, उन गायकों के दोनों बालकों के सबने बड़ी बड़ी प्रशंसा की है। राम जी ने पूजन किया है, अंग वस्त्र भेंट किए हैं और सबसे पहले अभलव कुश वर्णन कर रहे हैं अयोध्यापुरी का कि अयोध्यापुरी कैसी है और एक एक कर अपने पूर्वजों का। अब तक की जो कथा आपने सुनी है ना, वो फ्लैशबैक की कथा सुनी है, पुरानी, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना 10 साल बाद 10 साल पहले। अब तक जो आपने कथा सुनी है ये आपने आगे की कथा सुनी है। अब लवकुश आपको स्वयं, अब ये कथा आप मानिए कि मैं नहीं सुना रही हूँ, केवल मेरे शरीर का प्रयोग हो रहा है। अब आप कोई कथा स्वयं राम जी के दोनों पुत्र सुना रहे हैं लवकुश, मतलब उस कथा को उसी आनंद से सुनिएगा। अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं, सर्वा पूर्व मियम ये श्याम आसीत कृत्स्ना वसुंधरा। इस संपूर्ण पृथ्वी का जो राज्य है ना अयोध्यापुरी का, अयोध्यापुरी का जो राज्य है ये बड़े बड़े प्रतिभाशाली बलशाली राजाओं के हाथ में रहा है। एक एक करके सबका वर्णन करते हैं, कहते हैं कौशलो नाम मुदित स्फितो जनपदो महान निविष्ट है सरजू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशलो नाम मुदित स्फितो जनपदो महान, कौशल नाम का एक बड़ा जनपद है। निविष्ट है सरजू तीरे प्रभूत धन धान्यवान, उसमें सरयू नदी के किनारे एक अयोध्यापुरी अयोध्या नगरी है जो धन धान्य से परिपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या का वर्णन किया है कि वो कौशल नाम के एक जनपद में एक ऐसी नगरी है जो राजमार्गों से सुशोभित है। एनएच हाईवे जो आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली नोएडा और लखनऊ एक्सप्रेसवे ये जो सब बने, ये एनएच हाईवे उस समय में राजमार्गों से सुशोभित है अयोध्यापुरी, उस समय में अयोध्यापुरी में थे। वर्णन कर रहे हैं बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। आप जब किसी बड़े शहर में जाते हैं दिल्ली में तो आप जो देखते हैं ना 20-20 24-24 मंजिल और देखकर आपकी आंखें चौंक जाती हैं।
कि कैसे संभव था। वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े द्वार, राजमार्गों से सुशोभित अयोध्यापुरी का वर्णन कर धन धान्य से परिपूर्ण, किसी बात की कोई कमी नहीं अयोध्यापुरी में, ऐसी सुंदर अयोध्यापुरी का वर्णन कर रहे हैं। सरयू नदी के किनारे है, धन धान्यवान है, उस जनपद में सभी लोग बड़े सुखी हैं, समृद्धशाली हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं, क्योंकि वहां के राजा स्वयं इस वक्त राम हैं और उससे पहले महाराज दशरथ रहे हैं। एक एक कर सबका वर्णन कर रहे हैं, अपनी पूरी वंशावली का वर्णन किया है कि सबसे पहले विवस्वान, ये सूर्यवंशी हैं। विवस्वान के बाद मनु आए हैं। मनु सीधे बैकुंठ से आए हैं। मैं कथा आगे आपको अभी श्रवण कराऊंगी, अभी केवल वंशावली। मनु के 10 पुत्र हुए हैं, जिनमें से एक पुत्र इक्ष्वाकु हुए हैं, जिनके नाम पर इस वंश का नाम रखा गया है, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु के पुत्र प्रथु रहे हैं, प्रथु के त्रिशंकु रहे हैं, त्रिशंकु के धंधुमार रहे हैं, और धंधुमार के बाद आते हैं युवनाश्यव। वर्णन कर रहे हैं एक एक की प्रतिभा बताई है दोनों बालकों ने कि इस नगरी पर ऐसे ऐसे राजाओं का आधिपत्य रहा है। युवनाश्यव ऐसे राजा हैं कि जिनको संतान नहीं हो रही थी, तो संतान उत्पत्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और जब यज्ञ की दीक्षा गुरुदेव ने दी तो उन्होंने रात को सोए और सुबह उठकर वो जो घड़ी में कलश था वो उनकी पत्नी को पीना था। इतनी प्यास लगी कि स्वयं को रोक ना सके और युवनाश्यव ने उस घड़े के जल को पी लिया। गर्भवती पत्नी होनी थी लेकिन गर्भ धारण किया युवनाश्यव ने, और युवनाश्यव ने जब गर्भ धारण किया और फिर प्रसव पीड़ा होती है तो स्वयं बृहस्पति ने उनके उदर को चीरा है और मानधाता को पैदा किया है। इससे पहले यदि किसी को बताया जाए, कोई ग्रंथ पढ़े तो कहेगा ये कैसे संभव है, पुरुष कैसे बालक को जन्म देता है, झूठ लिखा है, गलत लिखा है। लेकिन अभी 2 से 2.5 साल पहले एक टीवी चैनल पे खबर छाई, अखबारों में खबर का विषय बना कि जर्मनी में एक पुरुष ने एक बालक को जन्म दिया। विज्ञान ने कितने दिन बाद ये सिद्ध किया, हमारे ऋषियों ने ये त्रेता युग में लिख दिया कि ये संभव है। तो सोचिए जरा, हम कहते हैं विज्ञान प्रगति कर रहा है, विज्ञान अभी बहुत पीछे है। और मानधाता इस वर्ल्ड के पहले सिजेरियन बेबी है, जिनका ऑपरेशन से जन्म हुआ है। आज कहते हैं कि पहले नहीं होते थे, अब ऑपरेशन, स्वयं बृहस्पति ने ऑपरेशन किया है और मानधाता को युवनाश्यव के गर्भ से निकाला है। इसलिए मानधाता पहले ऑपरेशन से होने वाले, ये सब ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने दिया है। इन ऋषियों ने सब ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ये ऋषि बड़े वैज्ञानिक भी थे, इनमें जो लिखा है वो वैज्ञानिक है और सिद्ध होता है। लेकिन जब विज्ञान उसे सिद्ध करता है तो ये बुद्धि से कुतर्कों के आधार पर चलने वाला व्यक्ति तब मानता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कर दिखाया था। उसके बाद असित ऐसे वंशज रहे हैं जिनकी कई पत्नियां थी पर पत्नियों को संतान नहीं होती थी, तो तभी एक रानी गर्भवती हुई तो दूसरी रानी ने जेलेसी में, ईर्ष्या में उनको विष दे दिया। परंतु वो ऐसी रानी थी, इतनी सती थी, उसके सतीत्व में इतनी सामर्थ्य थी कि विष का असर उसके गर्भ पर नहीं हुआ और उसके बाद पैदा होते हैं सगर। गर का मतलब होता है विष, जहर, जो गर को भी सह गया हो उसका नाम हुआ सगर। सगर के 60,000 पुत्र हुए जिन्हें ऋषि ने शाप दे दिया और वही 60,000 पुत्र एक राख के ढेर में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर उन 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए इस वंश के अंशुमान, दिलीप, भगीरथ 3 पीढ़ियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जंगल में जाके तपस्या की अंशुमान ने, लेकिन गंगा को ना ला पाए। फिर दिलीप ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, गंगा को ना ला पाए। फिर भगीरथ ने जो तपस्या की है, गंगा को उन 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए लगाया है। ये कथा हमें सिखाती है कि हम अपने पूर्वजों के उद्धार में एक दिन श्राद्ध भी ठीक से नहीं कर पाते, बहुत जल्दीबाजी में 13 दिन काटने भारी हो जाते हैं। अरे मुझे बहुत ऑफिशियल वर्क है, मुझे जाना है, मेरी ड्यूटी है, मेरे बॉस ने मना किया है, कौन करेगा, कौन बैठेगा, इतना समय कहाँ है। वहीं राम जी की 4 पीढ़ियों ने तपस्या करके
अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को उतारा है। गृहस्थ जीवन का त्याग कर तपस्या की है, बड़ी कठिन तपस्या की है, तब जाकर भगीरथ गंगा को यहाँ ला पाए हैं और उन सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ है। रघु आए, रघु ऐसे प्रतापी राजा थे कि उनके पहले इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था, लेकिन रघु के प्रताप से इस वंश का नाम रघु हो गया। कालिदास ने बड़ा सुंदर लिखा है रघुवंशम, लेकिन उसके बारे में चर्चा करने का समय नहीं है क्योंकि राम जन्म तक पहुंचना है। ऐसे तो कथा वर्षो वर्ष चलती रहेगी। फिर आज महाराज दशरथ 37वें राजा और राम इस अयोध्यापुरी के 38वें राजा हैं। वैसे 38वां राजा इस अयोध्यापुरी का माना जाए तो वो चरण पादुकाएं हैं और 39वें राम हैं। वैसे अगर शरीर के रूप में देखा जाए तो महाराज दशरथ 37वें और फिर 38वें राजा हुए हैं स्वयं राम। मनु पहले वंशज रहे हैं इस पृथ्वी के, अयोध्यापुरी के, और मनु ने ही सृष्टि का प्रारंभ किया है। मनु फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैं, संसार के पहले पुरुष हैं, और उनकी पत्नी शतरूपा इस संसार की पहली स्त्री हैं। इन्हीं ने सृष्टि की रचना की है। एक प्रलय आई थी, उस प्रलय के बाद मनु ने यहाँ सृष्टि की रचना की है। जब भी कोई प्रलय आती है, एक युग खत्म होता है और उसके बाद दूसरा युग प्रारंभ। कलयुग का अंत भी प्रलय के साथ ही होगा। वही मनु और शत्रुपा को इंग्लिश वाले एडम ईव और उर्दू में आदम और हव्वा कहा जाता है, पर हैं वही। इसलिए ये जो धर्म अब बट गए हैं और अपने आप को मानते हैं, ये सब मनु के ही वंशज हैं, मनु और शत्रुपा के ही, इस सूर्य वंश के, इक्ष्वाकु वंश के ही वंशज हैं। ये पूरा विश्व, हम सब मनु के वंश। यदि प्राणी इस धरती पर है तो वो मनु का ही वंशज है। लोग कहते हैं हम इस धर्म के, हम उस धर्म के, हम नहीं मानते, नहीं, सब मनु के वंशज हैं। किसी शायर ने लिखा है कि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते और जगह बदलने से पुरखी नहीं बदला करते। इसलिए कोई पूछा करे तो बता दिया करे आप सब मनु के वंशज हैं। इंग्लिश में जिसे एडम और ईव कहते हैं, जॉन मिल्टन एक इपिक लिखा है, बड़ा उन्होंने बड़ा अच्छा इपिक लिखा है। उसमें लिखते हैं कि इपिक पोयम में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, उसमें वो लिखते हैं, ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हु इज मॉर्टल टेस्ट ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड। एक सेब को, फल को चख लिया था तो धरती पे फेंक दिया गया था, वही आदम हुआ। वही जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखते हैं, भैया पानी वानी आराम से साइड से दो, मेरा एकदम ध्यान हट जाता है आप लोगों को इधर उधर देखते हुए। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, वहीं जयशंकर प्रसाद एक बड़ी सुंदर कामायनी रचना लिखी है जिसमें लिखते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाओं, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक सघन था एक सरल था, एक तत्व की ही प्रधानता कहूं इसे जड़ या चेतन। ये सब उसी के वंशज है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, महाकवि जयशंकर प्रसाद। ये तो आपने अयोध्यापुरी का भौतिक स्वरूप जाना है। कैसी है अयोध्यापुरी? 12 योजन लंबी और 3 योजन लंबी है, लंबाई और चौड़ाई भी। जो लोग कहते हैं कि ये इतिहास नहीं है, साहित्य है, उनको बताएं ये साहित्य नहीं है, ये इतिहास है। किसी साहित्य में नहीं बताया जाता। राम जी का जन्म हुआ है तो एक एक लग्न, एक एक ग्रह की उस वक्त क्या स्थिति थी, कहाँ था, ये वर्णन किया है। ये वर्णन साहित्य में नहीं होते हैं। लंबाई चौड़ाई किसी साहित्य में आज तक नहीं लिखी है, और यदि लंबाई चौड़ाई लिख भी गई हो तो समय, नक्षत्र, मुहूर्त, लग्न, राम जी की कुंडली बनाई है महर्षि वाल्मीकि जी ने तो, कि किस वक्त जब राम पैदा हुए हैं, और जब उस कुंडली को यदि कोई ज्योतिष शास्त्र का गुणी व्यक्ति देखे तो वो जानेगा कि वो ऐसी कुंडली है कि वो परमात्मा की हो सकती है।
उसमें ग्रह ऐसी ऐसी जगह अवस्थित है। ये आपने जाना अयोध्यापुरी का भौतिक स्वरूप। आप अयोध्यापुरी का आध्यात्मिक स्वरूप आप जाने कि अयोध्यापुरी बैकुंठ का हृदय है। महाराज मनु जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप पृथ्वी पर जाओ और सृष्टि की रचना करो, और महाराज मनु जब पृथ्वी पर आए तो महाराज मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि नहीं प्रभु, मुझे आप बैकुंठ से अलग मत कीजिए, मैं आपके चरणों की सेवा, मुझे आप क्यों उस मृत्यु लोक में भेज रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता बैकुंठ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें यहीं रहना है तो ऐसा करो, मैं तुम्हें ये बैकुंठ का हृदय देता हूँ। उस बैकुंठ के हृदय को लेकर जब मनु जी आए और धरती पर अवस्थित किया तो धरती उसके भार को सहन न कर सकी। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा है और उस सुदर्शन चक्र पर अवस्थित है ये अयोध्यापुरी। स्वयं बैकुंठ का हृदय है, ये इस धरती का टुकड़ा नहीं है, बैकुंठ का हृदय है। और भगवान विष्णु के चक्र पर लिख रहे हैं या चक्रो परिराजते, वो चक्र पर अवस्थित है। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवता नाम पुर अयोध्या। जो लोग कह रहे हैं साहित्य है, अथर्व वेद में उसका वर्णन है, ये अथर्व वेद का श्लोक है। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवता नाम पुर अयोध्या, आठ चक्र और नौ द्वारों से युक्त ये पूरी अयोध्या पुरी है, देवता नाम पुर। मनुष्यों की नहीं लिखा है, देवताओं की पुरी है ये अष्ट चक्रा नव द्वारा देवता नाम पुर अयोध्या। और हमारी जो सात पवित्र नगरियां हैं उनमें भी सबसे पहले अयोध्या का ही वर्णन होता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, सात मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या सबसे प्रथम नंबर पर आती है। प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, भूमि मम पुरी सुहावने उत्तर दिशि सरजू बह पावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। सरयू, जिसके उत्तर दिशा में सरयू माता है, उसके आगे क्या कह रहे हैं, बड़ी विलक्षण बात है, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। उस सरयू में स्नान करने से जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पुरुषार्थ के मनुष्य मेरे समीप रहने का अधिकारी हो जाता है, ऐसी पावन है सरयू मैया। और अयोध्यापुरी यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद खनिता मुपैत, यहाँ जो जंतु आ जाता है एक बार मात्र अयोध्यापुरी में, वो स्वयं आनंद और सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है। केवल मात्र एक बार, मनुष्य भी नहीं, जीव जंतु कीट जो भी अयोध्यापुरी में एक बार चला जाता है वो स्वयं आनंद सच्चिद खनिता मुपैत, स्वयं सच्चिदानंद को, आनंद को प्राप्त कर लेता है। ऐसी पावनपुरी है अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी भेद नहीं करती है, कोई जंतु जाए, कोई मनुष्य जाए, जहां जाती है परमात्मा कभी भेद नहीं करता है, संत कभी भेद नहीं करता है, गुरु कभी भेद नहीं करता है,
जिस प्रकार पारस भेद नहीं करता है, पारस परिचय नहीं पूछता है। लोहे का टुकड़ा मंदिर में हो या कसाई के यहाँ हो, जैसे ही पारस के समीप उसको स्पर्श करता है उसे वो सोना कर देता है। वैसे ही परमात्मा भेद नहीं करता है, सरयू मैया अयोध्यापुरी भेद नहीं, जो भी जीव जाएगा उसको स्वर्ण कर देते हैं। एक बार विवेकानंद जी आपके एक जयपुर की रियासत में एक राजा ने आमंत्रित किया। विवेकानंद जी का बड़ा सत्कार हुआ, लेकिन जब विवेकानंद जी को जाना था तो राजा ने एक उत्सव अपने यहां रखा और उस उत्सव में एक नर्तकी को बुलाया। नर्तकी आई, बड़ा भव्य उत्सव था। अब राजा को क्या पता कि संत को किस प्रकार का उत्सव चाहिए। राजा कथा कराते, राजा हवन कराते, कोई यज्ञ कराते, कोई कीर्तन कराते, कोई जगराता कराते, लेकिन नर्तकी बुला ली। जैसे ही विवेकानंद जी को उनके शिष्य ने बताया तो विवेकानंद जी डर गए, जाने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, इससे मेरी साधना नष्ट हो सकती है, उस नर्तकी के सौंदर्य को देखकर मेरा मन भटक सकता है, मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। मैं सात्विक व्यक्ति हूँ, इन सब तामसिक भोगों को देखूंगा तो हो सकता है मेरा मन भटक जाए, मेरी साधना। विवेकानंद जी ने मना कर दिया। नर्तकी पहुंच गई, प्रतीक्षा हुई, वहां से उत्तर आया कि विवेकानंद जी नहीं आएंगे। उस नर्तकी को बड़ी उदासी हुई। नर्तकी ने पूछा क्यों नहीं आएंगे, तो कहा कि नहीं, वो गुरु ने मना किया है कि वो नृत्य आदि नहीं देख सकते किसी नर्तकी का। तो वो नर्तकी संगीत में भी बड़ी निपुण थी, वो अपना वीणा उठाती है और एक पद गाती है। चली जाती है, जैसे ही गीत गाती है तो विवेकानंद स्वयं ही आ जाते हैं। वो कहती है, कैसे संत हो, यदि वास्तविक संत होते तो भेद ना करते,
डरना तो मुझे चाहिए था। मैं ऐसे कार्य करती हूँ, वैश्यव्रति के कार्य करती हूँ। यदि आप वास्तव में संत थे तो मुझे बदल देते। आप मुझसे डर गए, डरना तो मुझे आपसे चाहिए था। सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। पारस तो ये नहीं देखता है कि ये कसाई के यहाँ का लोहा है या मंदिर का लोहा है। तो आपने क्यों देखा? आप मुझसे डर गए। यदि आप संत होते, और ये बात स्वयं विवेकानंद जी ने लिखी है, रोक ना सके अपनी कलम को, स्वयं लिख दिया। ये पद भी लिखा विवेकानंद जी ने, एक लोहा पूजा में राखत एक घर पधिक परो, और सो दुविधा पारस नहीं देखत कंचन करत खरो। जब पारस दोनों को, बुरे को भी और अच्छे को भी खरा कर सकता है, तो कैसे? एक स्वच्छ जल की नदी जा रही है, एक नाला जा रहा है, नर्तकी गाती है, और जब दोनों एक साथ मिलते हैं गंगा में, तो सुरसरी नाम पर, उसका नाम सुरसरी पड़ जाता है। जब वो भेद नहीं करती गंगा, वो नाले आके मिल जाए, गंदगी आके मिल जाए या स्वच्छ जल, जब वो स्वयं को सुरसरी कर सकती है, तो आप भी तो गंगा की तरह पवित्र हैं, पारस की तरह। यदि आप में सामर्थ्य था तो आप मुझे बदल देते, मुझे भगवत भजन में लगा देते, मुझे अपना शिष्य बना लेते, तो मान जाते। स्वयं विवेकानंद जी ने ये पद, इसलिए भेद नहीं, ऐसे ही अयोध्यापुरी भेद नहीं करती है। वहां जो आता है, यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चित खनिताम पैत, जो आता है ये अयोध्यापुरी, ये सरयू मैया उसको पवित्र कर देती है, उसको स्वयं राम जी के दर्शन करा देती है। और लिखा गया, अयोध्या च पूर्ण ब्रह्म सरयू सगुणन पुमान तन्नी वासी जगन्नाथम सत्यम सत्यम वदामहम। अयोध्या पूर्ण ब्रह्म है, सरयू सगुणन पुमान, यानी यदि आपको निर्गुण रूप में परमात्मा देखना हो तो अयोध्यापुरी, क्योंकि साक्षात वैकुंठ का हृदय है, ये वैकुंठ है, स्वर्ग है। और यदि सगुण रूप में देखना हो तो सरयू सगुणन पुमान, सगुण रूप में वहां वो सीता राम जी ही बह रहे हैं। तन्निवासी जगन्नाथम सत्यम सत्यम वदन, जो यहाँ निवास करता है वो सत्य है, परमात्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि वो वैकुंठ में निवास कर रहा है। सरयू सगुण कैसे है? सरयू मैया की उत्पत्ति कैसे हुई है? सरयू मैया इतनी पवित्र कैसे है? वैसे तो गंगा भी बहुत पवित्र है, हम गंगा जल का प्रयोग पूजा में करते हैं, निर्मल धार है, परंतु गंगा इस सृष्टि का ही जल है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के जल को कमंडल में लेकर बामना अवतार में भगवान के, विष्णु के चरण चरण का भी अंगूठा, अंगूठे का भी लिखते, नखो दकाम, नख को स्पर्श कराने से जब नख को धुला तो गंगा प्रवाहित हो गई। विष्णु के चरणों का चरणामृत है ये गंगा, लेकिन जल इसी सृष्टि का है, पर सरयू मैया इस सृष्टि का जल नहीं है। क्योंकि जब असुर ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा कर ले गए थे, असुरों ने जब ब्रह्मा जी के वेद चुराए हैं, तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए हैं। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिन और घोर तपस्या की है, उस तपस्या को देखकर भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया, और जब नेत्रों से जो अश्रु आए तो ब्रह्मा जी ने उन अश्रुओं को अपने कमंडल में ले लिया और मानसरोवर में जाके स्थापित कर दिया। वहीं से सरयू बह रही है, वहीं से ये मैया प्रवाहित हो रही है। इसलिए जब हम आप रोते हैं तो हमारे नेत्रों से जो जल निकलता है वो सृष्टि का जल है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित अधम शरीरा, पंच रहित समीरा,
गगन समीरा पंच रहित यह अधम शरीरा। जो हमारा शरीर है वो वही पृथ्वी वायु आकाश अग्नि सबसे मिलकर बना है, इसी सृष्टि का है सब पंच तत्व। और जब मृत्यु होती है तो हम इसी पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पर परमात्मा बैकुंठवासी है, वो तो क्षीर सागर में निवास करता है, इसलिए जो उनका शरीर है ना वो इन पंच तत्वों से नहीं बना है, वो तो केवल एक ही तत्व से बना है, आनंद और सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व से बना है। इसलिए जब हम रोते हैं और हमारी नेत्रों से अश्रु गिरते हैं तो वो इस सृष्टि का जल है, लेकिन जब परमात्मा रोता है उनकी नेत्रों से अश्रु गिरते हैं तो वो बैकुंठ का जल है। इसलिए वो जल स्वयं सीता राम जी ही है बैकुंठ, इसलिए उसका नाम है सरजू सासे सीता रासे राम जू। सीता राम जू ही मानो सगुण रूप में, सरयू सगुनन पुमान, मानो सगुन रूप में अयोध्यापुरी में प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए कहा है गोस्वामी जी ने, जब भगवान राम सरयू मैया को प्रणाम कर रहे हैं तो कहते हैं जाम जनते बिना ही प्रयासा मम समीप नर पाप, क्योंकि वो स्वयं सीता राम जी ही हैं। उसमें जो स्नान कर लेता है वो बिना किसी प्रयास के मेरे समीप होने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि मेरे ही अश्रु हैं, मेरा ही विग्रह है, आनंद सच्चिदानंद तत्व ही है। और सनातन धर्मी तो सरयू मैया के जल से अयोध्यावासी कुल्ला नहीं करते हैं, इसका पवित्र जल परमात्मा के अश्रु हैं वो। इसलिए वैसे तो गंगा भी पवित्र है, लेकिन गंगा इस सृष्टि का जल है और सरयू मैया साक्षात वैकुंठ का जल है। ऐसा पावन वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है कि वो साक्षात बैकुंठ है। महाराज मनु लेकर आए, स्वयं ब्रह्मा जी ने बैकुंठ का हृदय दिया है जो भगवान विष्णु के चक्र पर अवस्थित है। और ये सरयू मैया भगवान विष्णु के नेत्रों का, इसका एक नाम नेत्रजा भी है। इसलिए जब भी अयोध्या जाने का अवसर मिले तो बिना किसी पुरुषार्थ के प्रयास के आप परमात्मा के समीप जा सकते हैं, उनके सगुण रूप को अगर पाना चाहे। अच्छा, अयोध्या पुरी ऐसी पुरी है कि जहां जाकर आपको सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। निर्गुण रूप में वो बैकुंठ का हृदय और सगुण रूप में स्वयं सीता राम जी का विग्रह, विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विग्रह वहां बह रहा है। इसलिए वो सीता राम जी ही सरयू मैया के रूप में अवस्थित है। अयोध्या कभी जाए, अब तक ना किया हो तो ये भूल ना करें, सरयू मैया में स्नान करें एक बार अवश्य, बहुत जरूरी है। इसलिए कैसी नगरी होनी चाहिए, ये राम जी का जो राज्य है ना, ये राम जी का जो व्यक्तित्व है, ये ऐसा व्यक्तित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति से अपनाना चाहता है। पुत्र कैसा हो राम जैसा, पिता कैसा हो राम जैसा, पति कैसा हो कृष्ण जैसा, भले कोई ना कहे पर राम जैसा सब कह देंगे। पति हो तो राम जैसा, नगरी हो तो अयोध्या जैसी, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, माता हो तो कौशल्या जैसी, सुमित्रा जैसी। Oh,
अयोध्यापुरी की जय हो। इस अयोध्यापुरी में पधारे सभी भक्तों की जय हो। श्री व्यास जी महाराज एक एक कर बालकों ने पहले सभी अपने पूर्वजों का वर्णन ऐसा कह के महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले बालकों को पूर्वजों का आशीर्वाद दिलवाया है। उसके बाद अयोध्यापुरी अयोध्यापुरी का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरूप सरयू मैया की पावनता क्या है सरयू मैया उनका वर्णन और उसके बाद फिर महाराज दशरथ का वर्णन करते हैं। दोनों बालक स्वयं अपने बाबा की कथा को दादा की कथा को बैठकर सुनाते हैं और बताते हैं तस्याम पुर्याम अयोध्याम वेदविद सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजः पौर जान पद प्रिया। तस्याम पुर्याम अयोध्याम वेदविद सर्व संग्रह इस अयोध्यापुरी में एक राजा ऐसे रहे हैं जो वेद वेद्य ही रहे हैं जिन्होंने चारों वेदों को खोलकर पी लिया हो चारों वेदों के ज्ञाता। तस्याम पुर्याम अयोध्याम वेदविद सर्व संग्रह वो ऐसे राजा रहे हैं जिनके राज्य में सर्व संग्रह सभी चीजों का संग्रह रहा है। अयोध्या में कभी किसी वस्तु की किसी चीज की कमी नहीं रही है। दीर्घदर्शी महातेजा दूर की सोचने वाले महान तेजस्वी पौर जान पद प्रिया जिनकी प्रजा उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करती थी ऐसे महाराज दशरथ रहे हैं। इक्ष्वाकु नाम अतिरथो यज्वा धर्म परोवशी इक्ष्वाकु में जन्मे वो धर्म परोवशी जिन्होंने धर्म को अपना आधार बनाया हो कभी जीवन में धर्म को छोड़ा ना हो और उसी धर्म का पालन करने के लिए अपने पुत्र और प्राणों का त्याग किया है महाराज दशरथ ने। महर्षि कल्पो राजऋषि त्रिषु लोकेषु विश्रुत जो हैं तो राजऋषि लेकिन इस लोक में किसी महर्षि की बराबर उनकी ख्याति है। वो हैं राजऋषि राजपाट राज सिंहासन पर बैठे हैं लेकिन किसी महर्षि से कम नहीं है। बलवान निहिता मित्रों मित्रवान विजितेंद्रिय बलवान है मित्रवान इतने हैं कि महाराज इंद्र उनके मित्र थे और जब इंद्र के पास महाराज दशरथ जाया करते थे तो इंद्र अलग से आसन नहीं बिठवाते अपना आधा आसन छोड़ के खिसक जाते हैं और महाराज दशरथ को उस आसन पर विराजमान कराते हैं। ऐसे महाराज दशरथ का वर्णन किया है। इसी श्लोक को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अवधि में अनुवाद करके बड़ा सुंदर लिखते हैं। आपको थोड़ा सा रसा स्वादन कराती हूँ। दर्शी महातेजा पौर जान पद प्रिया यज्वा धर्म परोवशी यही बात तो गोस्वामी जी भी इसी श्लोक का बिल्कुल अनुवाद कर रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मनीराव अवधपुरी में एक राजा है वेद विदित तेहि दशरथ नाउ जो वेद विद्य है उनका नाम दशरथ है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी जिनके पास धर्म है गुण है ज्ञान है हृदय भक्ति मति सारंग
महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथ आत्मजे। वेद वेद्ये हैं, उन दशरथ के आत्मज के रूप में राम का जन्म हुआ है। 60,000 वर्ष की अवस्था महाराज दशरथ की हो चुकी। अब आप कहेंगे इतनी लंबी आयु झूठ लिख दिया, लेकिन त्रेता युग में आयु इतनी हुआ करती थी। द्वापर में उससे थोड़ी कम हुई और जैसे जैसे कलयुग जा रहा है कम होती जा रही है। आज से 10 साल पहले 100 वर्ष के बुजुर्ग बहुत देखने को मिलते थे, पर अब मृत्यु की जो एक आयु है एवरेज आयु वो 70-75 तक पहुंच चुकी है। और जैसे जैसे कलयुग का अंत होगा, ग्रंथों में लिखा है कि आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। तो अभी कलयुग का अंत बहुत दिन में होगा, अभी बहुत लंबा है कलयुग। इसलिए जब आयु अब घट रही है आपके सामने, कितना जीवन, अधिकतम 100 वर्ष एक व्यक्ति लेकर आया है, जब हम अपनी आंखों से इस आयु को घटते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ बात साल की नहीं हो रही है 2024-23-22, यहाँ बात युगों की हो रही है, युग परिवर्तित हुए हैं। तो उस समय महाराज दशरथ की आयु 60 वर्ष की थी, जीवन के चौथे पन में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु कोई संतान नहीं है और मन में कभी ग्लानी भी नहीं हुई संतान को लेकर कि मुझे कोई संतान होनी चाहिए। पहली बार अचानक से ग्लानी होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय ग्लानी मोरे सुत नाही। ये ग्लानी 60,000 वर्ष बाद क्यों हुई, ये भी तो सोचने का विषय है। भाई किसी व्यक्ति को संतान ना हो तो जीवन के दूसरी अवस्था में, जब युवा होता है, जब चिंता होती है, जीवन का चौथापन होने को आया है, संन्यास लेने की उम्र आ गई है, अब ग्लानी क्यों हो रही है। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंश करह सुतः। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंश करह सुतः, वंश को चलाने वाले किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है कि महाराज दशरथ को संतान रही हो। ग्रंथों में बातें वो लिखी जाती हैं जो बताने योग्य होती हैं, अन्यथा इतना बड़ा ग्रंथ उसमें रोज की दिनचर्या थोड़ी लिखी जाएगी, जिस बात से हमें कुछ सीखने को मिले। तो हो सकता है कि महाराज दशरथ के कोई संतान रही हो। और शांता का जिक्र तो आता है कि राम जी की बहन थी शांता, जो अंगदेश के राजा रोमपाद, जिनको संतान नहीं थी, तो महाराज दशरथ ने वो बिटिया दान कर दी थी। और कुछ ग्रंथों में महाराज दशरथ की 300 और 700 रानियों तक का भी वर्णन किया गया है। तो ये तीन हो सकता है पटरानी रही हो। तो कह रहे नासीद वंश करह सुते, बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, वंश को चलाने वाला सुत नहीं था। यहां मैंने कल भी बताया था, महाराज दशरथ को संतान की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ग्लानी नहीं हो रही थी। ऐसी संतान की आवश्यकता थी जो इस वंश सगर मनु अज दिलीप भगीरथ मनु इक्ष्वाकु, जो उस वंश की परंपरा को आगे बढ़ा सके, जो इतना तेजस्वी पुत्र हो जिसे अयोध्या का राजा बनाया जा सके। यहाँ बात
केवल संतान की नहीं है, वंश को चलाने वाले संतान की इच्छा महाराज को हुई है 60,000 वर्ष की आयु में। क्योंकि हो सकता है अब तक जो संतानें हैं वो वंश को चलाने लायक ना हो, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। लेकिन महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं, पहले अश्वमेध यज्ञ किया है। अश्वमेध यज्ञ का पुत्र से कोई मतलब नहीं है, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है कि हमारे अब तक पूर्वजों से यदि कोई भूल हुई हो तो पहले उस भूल का निवारण हो जाए, उसका प्राश्चित हो जाए, इसलिए अश्वमेध यज्ञ बड़ा विशाल यज्ञ होता है, 365 दिन का होता है, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं उस यज्ञ की, बड़ी दीक्षा दी जाती है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए यदि यज्ञ करना था तो पुत्रेष्टि कर लेते, लेकिन अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है, उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है। तो महाराज को चिंता हुई है, नासीद वंश कर है सुते, इस वंश को चलाने वाला कोई सुत नहीं है, संतान एक हो और वंश का नाम रोशन कर जाए तो पर्याप्त है, चार हो और कहते हैं कि मरे बाबा का नाम चला रहे हैं। हमारे यहाँ तो, यहाँ मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ कहते हैं भाई कितना पढ़ा लिखा है तुम्हारा बेटा, कुछ नहीं, मरे बाबा का नाम चला रहा है। तो नाम चलाने वाली, मरे बाबा का नाम चलाने वाली संतान की आवश्यकता नहीं है, वंश को चलाने वाली, जो इस वंश की परंपरा को आगे बढ़ा सके, ऐसी संतान की आवश्यकता है। चिंतया मानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मने सुतार्थं वाजी मेधेनं किमर्थं न यजाम्यहम्। चिंतया मानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मने, राजा को चिंता हुई है, बुद्धिजीवी महात्माओं के बीच में बैठे हैं उस वक्त और कहते हैं सुतार्थं वाजी मेधेनं किमर्थं न यजाम्यहम्। मुझे, मेरे मन में ऐसी इच्छा प्रकट हो रही है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए वाजी मेधेन यानी कि अश्वमेध यज्ञ करूं। जैसे ही महात्माओं के बीच में राजन कहते हैं, सभी प्रसन्न होकर खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हम भी, हमारे भी यही इच्छा थी। तभी कहते हैं कि ये यज्ञ गुरुदेव के संरक्षण में होगा, इसकी दीक्षा की जिम्मेदारी गुरुदेव को दी है महर्षि वाल्मीकि जी ने। और यही लिख रहे हैं कि महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव ये यज्ञ आप ही को कराना है, क्योंकि आप कहते हैं कि विधिहीन से यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। इस पे मैं कल 15 मिनट बोली थी कि विधिहीन से यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति, विधिहीन यज्ञ करने से यजमान का विनाश हो जाता है, फल उल्टा मिल सकता है, इसलिए गुरुदेव बाकी सब कार्य हम संभाल लेंगे, लेकिन यज्ञ का कार्य गुरुदेव वशिष्ठ को सौंपा है, गुरुदेव आपके संरक्षण में ये यज्ञ होगा, जो भी कार्य किया जाएगा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही होगा। विधिहीन यज्ञ करने से तत्काल विनाश हो जाता है, इसलिए कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधार है, यहाँ केवल जाप करना है आपको, माला जाप, और माला जाप हाथ वाली माला का नहीं, क्योंकि कबीर दास जी कहते हैं कि कर का मन का फेंक दे मन का डार। माला जाप हाथ का विषय ही नहीं है, ये केवल एक प्रतीक है, ऋषियों ने माला दिखाई है केवल बताने का कि करना है, लेकिन हम प्रतीकों में उलझ कर रह गए हैं, उसके पीछे छिपे रहस्य को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहीं भी माला फेरना का जिक्र, फेरना शब्द किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, हर जगह सुमिरन, ये सुमिरन का ही विषय है, सांसों की माला पे सुमिरू में पी का नाम, इसको सुमिरना है, मीरा ने इसका सुमिरन किया है, गोपियों ने सुमिरन किया है, केवट में सुमिरन किया है, शबरी ने सुमिरन किया है इसको, इसलिए इसको केवल सांसों की माला पे सुमिरना है, और हम हाथ में केवल प्रतीकों में उलझ कर रह गए हैं। ऋषियों ने जो बातें बताई हैं वो मात्र प्रतीक बताई हैं, हम धीरे धीरे पीछे के रहस्य को तो भूल गए हैं, उनके पीछे छिपे प्रतीक क्या थे ये हमको अब नहीं पता, और पता इसलिए नहीं क्योंकि हम ग्रंथ पढ़ते नहीं, पहले ग्रंथ पढ़े जाते थे, हमारे पूर्वज बुजुर्ग पढ़ा करते थे तो वो बताया करते थे, अभी भी हमको जितनी बातें पता है वो इतनी पता है जो वो मरे बाबा से चली आ रही है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आज की युवा पीढ़ी तो तर्क मांगती है, बच्चे से कहें कि
पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। आज के माता पिता को बस इतना पता है नहीं पीना। बच्चा पूछता है क्यों, तो क्यों का उत्तर नहीं है। और जिनके पास क्यों का उत्तर था, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, वो अब जा चुके हैं, इनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चा मानेगा क्यों। भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए, बच्चा कहेगा क्यों, बस बड़े बूढ़े कहते थे, उससे ज्यादा उन्हें पता नहीं है, वो जवाब भी नहीं दे सकते। और बड़े बूढ़े कहते थे, इसमें बच्चा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आज बच्चा तर्कशील पैदा हो रहा है, उसको तर्क चाहिए, स्कूल में तर्क पढ़ाया जा रहा है, वो विज्ञान पढ़ रहा है, और जिनको तर्क पता थे वो गए। और आपके माँ बाप को बस इतना पता है, बस बड़े कहते थे नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, बहस मत करो। बच्चा भी कहता है तुम भी बहस मत करो, हमें जो करना है करेंगे, या तो बताओ क्यों या फिर नहीं करेंगे। प्रतीक है सब, दीप जलाना प्रतीक। बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपना दीप स्वयं बनिए। ये दीप यहाँ जलाना है, यहाँ जलाए वो अच्छी बात है कि आप दीपक से आरती उतारे, उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव है कि दीप क्यों जलाना है। जब हम किसी की आरती उतारते हैं अग्नि से, तो अग्नि की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो परमात्मा की मूर्ति में जो प्राण में शक्ति है वो उसको और हमको बांधती है, इसलिए हम उतारते हैं। लेकिन वैसे जो दीप जलाने की बात है वो यहाँ की गई है। सूर्य को जल देने का एक साइंटिफिक रीजन है कि क्यों दिया जाता है। ऋषियों ने कोई भी काम ऐसे ही नहीं कराया। हम केवल प्रतीकों में उलझ कर रह गए हैं, इसलिए माला ऐसी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग तो माला करते रहते हैं और दूसरे से बात भी करते रहते हैं, इधर उधर इशारा भी कर देते हैं। बच्चा कुछ आगे पूछे, ठीक है ठीक है ठीक है, इशारे से दूध निकल गया, बंद कर दो बंद कर दो। माला चल रही है, इधर उधर बातें चल रही है। और ज्यादातर लोग तो जैसे कोई आने वाला होता है मिलने, तो हाथ में माला उठा लेते हैं सामने वाले को लगे। आधे तो इसीलिए करते हैं भाई लगे कि हाँ हम साधु वाधु हैं, तो माला वाला होनी चाहिए हाथ में, झोली होनी चाहिए हाथ में। जैसे कोई चला जाता है रख देते हैं, कोई आता है तो उठा ली माला। माला इसलिए थोड़ी होती है, ये दिखावे का विषय थोड़ी है। साधना दिखावे का विषय नहीं है, साधना एकांत में की जाती है। और करते हो तो नहीं बताना चाहिए किसी को कि हम कितनी साधना करते हैं। रात में कमरा बंद करके करनी चाहिए साधना। भोजन ये दिखावे के विषय नहीं है, ये बताने के विषय नहीं है, ये एकांत के विषय है। ये भी ग्रंथों में लिखा है, लेकिन माताएं गुरु ने कह दिया कि भाई 251 करनी है। अब वो 251 हाथ में तो चल रही है, दिमाग कहीं और है, आंख कहीं और है, मुंह। और बहुत सारे तो ऐसे करते हैं कि करते करते कोई काम याद आ रहा है कि जल्दी से 251 पूरी करनी है। इतनी गिनतियों में फंस गया है, कितना मूर्ख है, जल्दी 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 कर रहा है। और आधा तो जो आंख खोल के थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुमेरु कितनी दूर बचा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ी सी खोल के देख भी लेते हैं। और ज्यादातर सब देखते हैं, हाथ से टटोल लेते हैं, आंख नहीं खोलते, भाई कितना बचा है, थोड़ी देर में बस जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी करके चलते हैं। ये माला करना ही नहीं है। इसलिए कबीरदास ने बहुत पहले कह दिया था, अरे कर का मन का फेंक दे, मन का हम करके मन के में ही अटके हैं, झोली में भी टटेल लेते हैं सुमेरु। ऐसे माला नहीं, माला गिनती का विषय नहीं है, उसे गिनना नहीं है, जितनी हो जाए उतनी ज्यादा अच्छी। आप कर तो रहे 251, लेकिन परमात्मा तो एक भी स्वीकार नहीं कर रहा है। और उसने भी कितनी बाध्यता कि सुमेरु का ध्यान रखना है, कौन सी उंगली अंदर है कौन सी बाहर है, टच ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए, माला गलत हो जाएगी, खंडित हो जाएगी, धुलना है, स्वच्छ करना है, इस सबके झंझट में क्यों पड़ना। सीधे सीधे सांसों की माला पे उसका सुमिरन बैठकर आप करिए। और वैसे भी जब हम नाभि से एक बार सांस लेते हैं और फिर उस ब्रीथ को एक्सहेल और इनहेल करते हैं, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, तो वो एक माला होती है। उस वक्त यदि आपके इनहेल और एक्सहेल पर, बाहर सांस छोड़ने पर और अंदर लेने पर परमात्मा का नाम आ जाए, तो एक माला के बराबर होता है। और मैं तो कहती हूँ कि जिस दिन ऐसा हो जाए कि माला जपते जपते आपका ध्यान लग जाए और न जाने कितनी बार सुमेरु लांघ जाए आंख खुले, उस दिन मानना परमात्मा ने स्वीकार कर लिया आपकी माला। इस चक्कर में मत पड़ना सुमेरु मेरु लंघ गए, जो हो जाए आपको तो सांसों पे जपना। ये केवल ध्यान दिलाने के लिए कि यदि मन भटक जाए और आपके हाथ में माला दिखे तो आपको याद आ जाए बस कि हाँ हाँ माला करनी है, क्योंकि मन भटकता रहता है। और जब इतना अभ्यास हो जाए कि मन भटकना बंद हो जाए, तो उस माला को खुंटी पर टांग देना, फिर आपका और परमात्मा को जोड़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है माला का। फिर तो स्वयं आपके अंतर्घट में वो प्रकट होगा और सांसों पे प्रतिपल
आपको परमात्मा को जपना है। समय बढ़ता जा रहा है, प्रभु श्री राम के प्राकट्य का समय है। मैं सोच रही हूँ कैसे कैसे कथा को गुरुदेव ने कहा कि जल्दी दीक्षा लें। तभी सुमंत जी आते हैं और सुमंत जी बताते हैं। सुमंत जी आते हैं और महाराज दशरथ से कहते हैं कि राजन, आज आपके मुख से जो अश्वमेध यज्ञ की बात निकली है उसे सुनकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है। प्रभु, एक बार मैं ऋषियों की सभा में गया था और वहां सनत कुमारों के बीच में चर्चा चल रही थी ऋषियों के बीच में कि क्या महाराज दशरथ के वंश को चलाने वाला पुत्र नहीं होगा। तो राजाओं ने कहा था कि हाँ, जिस दिन महाराज के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की बात जन्मेगी तो महाराज दशरथ को एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। ये बात सनत कुमारों ने मुझे बताई है। और हे राजन, उन्होंने ये भी बताया है मुझे कि ये जो आपका यज्ञ है इसको श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराया जाएगा। महाराज दशरथ जैसे ही श्रृंगी ऋषि का नाम सुनते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। अरे अरे, वो तो हमारी पुत्री के जमाता है, मेरे मित्र के ही, जो पुत्री शांता राम जी की बहन थी वो अंगदेश के राजा रोमपाद को दे दी थी। उन्हीं रोमपाद शांता के पति है श्रृंगी ऋषि, जिनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न कराया गया है। महाराज दशरथ के भी जमाता है और रोमपाद के भी जमाता है। जैसे ही शुभ सूचना सुनी तो चले गए। ये जो श्रृंगी ऋषि हैं, ये विभांडक ऋषि के पुत्र हैं। एक बार जब शांता को महाराज दशरथ ने रोमपाद को दे दिया तो अंग देश में अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ा तो ऋषि मुनियों से पूछा गया, हाहाकार मच गई। पानी की बूंदों के लिए लोग तरसने लगे, पानी नहीं था, अकाल पड़ गया। तो किसी ने कहा कि यदि तुम्हारी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हो जाए तो अकाल समाप्त हो जाएगा। विचार किया गया कि श्रृंगी ऋषि तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इनको इनके पिता विभांडक ने जंगल में रखा है, एक कुटिया में। उन्होंने कभी स्त्री का दर्शन भी नहीं किया, इस प्रकार से पालन किया है, बाल ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे। सोचा गया कि अब क्या किया जाए, तो सुंदर गणिकाओं को सजाया गया और उनको भेजा गया कि जाओ। जैसे ही विभांडक ऋषि कंदमूल फल लेने श्रृंगी ऋषि को छोड़कर गए, वो गणिकाएं बड़े बड़े उपहार मिष्ठान लेकर प्रवेश कर जाती हैं। और जब श्रृंगी ऋषि ने देखा तो कुमार कहके स्वागत किया है, आओ कुमार हो। इतने अपरिचित है वो स्त्री से कि सुंदर स्त्री को भी कुमार ही समझ रहे हो। कह रहे, आप किस गुरु के शिष्य है? वो ले जाकर जब मिष्ठान देती है तो कहते हैं, ये कौन सा फल है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है? इतने अपरिचित हैं, बाल ब्रह्मचारी की तरह जीवन जी रहे हैं। वो गणिकाएं बहला फुसला करके, हमारे राज्य चलो, देखो हमारे राज्य में तो और बहुत सुंदर सुंदर फल हैं। श्रृंगी ऋषि को ले जाते हैं। जैसे ही श्रृंगी ऋषि अंग देश में पहुंचते हैं, वर्षा ऋतु हो जाती है और दोनों का विवाह हो जाता है। फिर सबको चिंता होती है कि विभांडक ऋषि को यदि पता चलेगा तो बड़े क्रोधी हैं, वो तो शाप दे देंगे। विभांडक ऋषि जब अपने पुत्र को नहीं पाते तो ढूंढते ढूंढते लोगों से सूचना मिलती है कि गणिकाएं इधर अंगदेश की तरफ लेकर गई हैं। जैसे ही अंगदेश विभांडक ऋषि पहुंचते हैं तो सब डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुंदर वर और वधु का जोड़ा सामने आता है तो विभांडक ऋषि का क्रोध शांत हो जाता है और दोनों को आशीर्वाद दे देते हैं। इस प्रकार शांता और श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ है। श्रृंगी ऋषि को बुलाने महाराज दशरथ, गुरुदेव, वशिष्ठ स्वयं, तीनों माताएं गई हैं और तीनों माताएं श्रृंगी ऋषि को आदर के साथ बुलाकर लाई हैं। उनका पूजन किया है अयोध्यापुरी में। और अयोध्यापुरी में आते ही यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ है। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, ततः काले बहु तिथे कश्मिचित सुमनोहरे बसंते समनु प्राप्ते राक्यो रुष्टु मनोभवत। ततः काले बहु तिथे कश्मिचित सुमनोहरे, एक सुंदर मुहूर्त की प्रतीक्षा की है श्रृंगी ऋषि अयोध्या में ठहरे। और जब बसंत आया और सुंदर मुहूर्त आया तभी इस यज्ञ को प्रारंभ किया गया है। ये बात संकेत करती है कि हमें मुहूर्त का प्रतीक्षा करनी चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। स्वयं ऋषि और परमात्मा भी, सुंदर मुहूर्त जब बसंत आया है तभी इस यज्ञ की दीक्षा ली गई है।
अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया गया, जिसमें एक अश्वकंद की आहुति दी जाती है। लोग बाग कहते हैं कि आपके ग्रंथ में लिखा है कि घोड़े की अश्वकंद लिखा है कि अश्व की बपा की आहुति, तो लोगों ने समझा कि अश्व की कि आपके यहाँ तो बलि है, आपके यहाँ बलि दी जाती है, लेकिन वो अश्वकंद जो है वो एक जड़ जैसा है, जो नीचे जड़ होता है उसको कहते हैं कंद, मूल और फल होता है ना, तो वो कंद है अश्वकंद जिसकी आहुति दी जाती है। यजमान उसकी सुगंध को ग्रहण करता है, लिखते हैं धूम गंधम बपायास्तु, उससे आने वाली धूम को जैसे ही ग्रहण करते हैं ये यज्ञ संपन्न माना जाता है। उसके बाद वशिष्ठ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं, और जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं तो अग्निदेव चरुकर लेकर प्रकट होते हैं। जब अग्निदेव चरुकर लेकर प्रकट होते हैं तो महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और उस चरु को उस खीर को अपनी तीनों रानियों को किस प्रकार बांटते हैं वो स्वामी को इसी दर्शन। प्रकट हुए और राजा ने अपनी तीनों रानियों को वो चरु वो खीर विभक्त कर दिया तीनों रानियों के मध्य में उसको। और जब ये यज्ञ संपूर्ण हुआ तो महाराज दशरथ ने अपनी संपूर्ण पृथ्वी का दान उन ऋषियों को कर दिया। दीक्षा में पूरी पृथ्वी, ऋषियों ने कहा कि हम क्या करेंगे इस पूरी भूमि का, राजन आप क्षत्रिय हैं, हमारा काम तो यज्ञ कराना है। लेकिन महाराज ने कहा कि अब तो मैं दान कर चुका हूँ। फिर ऋषियों ने विचार किया कि अब क्या किया जाए, तो सभी से विचार विमर्श करके एक निष्कर्ष निकला कि जो पृथ्वी है वो गौ का रूप होती है, यदि आप भूमि के बदले एक गौ दान कर दें तो वो भूमि के बराबर, इसलिए गौ दान पृथ्वी के दान, संपूर्ण पृथ्वी के दान के बराबर गौ दान है। तो फिर महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को एक वेद विलक्षणा गौ दान की और उसके बदले उन्होंने वो भूमि वापस की। महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में लोग कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को एक भ्रांति फैलाई गई ताकि हम इन ग्रंथों से दूर रहें। ये ग्रंथि जो पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेज आए थे उन्होंने फैलाई कि महर्षि वाल्मीकि जी तो राम को केवल एक राजा बताते हैं, एक साधारण मानव, एक महान राजा, बस परमात्मा नहीं। वही महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि जब चरुकर लेकर आए हैं और खीर को चखा है तो लिख रहे हैं पुत्रत्वम गते विष्णु, माता के गर्भ में स्वयं विष्णु गया है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं माता के गर्भ में सीधे विष्णु ने प्रवेश किया है। पुत्रत्वम गते विष्णु, वैसे तो पुत्र पिता का अंश होता है लेकिन यहाँ स्वयं परमात्मा माता के गर्भ में अवस्थित हुए हैं। माता सोच ही रही थी गर्भ का समय, अच्छा ये बसंत में यज्ञ प्रारंभ किया गया और बसंत में ही अगले बसंत में ये यज्ञ पूर्ण हुआ है। एक वर्ष बाद 12 महीने का यज्ञ होता है ना, 365 दिन का,
बसंत में ही ये अगला बसंत आया है तो पूर्ण हुआ है। उस बसंत में माता ने चरु को चखा है और गर्भ धारण किया है, और उसके बाद फिर जब अगला बसंत आया है तब राम जी का जन्म हुआ है। यानी राम जी साधारण मनुष्य माता के गर्भ में 9 महीने, राम जी 12 महीने रहे हैं। और राम जी नहीं चारों भाई, क्योंकि चारों एक ही परमात्मा का, विष्णु ने स्वयं को 4 भागों में विभक्त किया है, प्रत्यात्मानं चतुर्विधं। तो चारों भाई माता के गर्भ में 12 महीने तक रहे हैं। माता सोच ही रही थी कि मेरा बेटा कैसा होगा, तभी माता कहती है कि स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता मेरे घर आ गया, स्वर्ग का देवता मेरे घर आ गया, बन के बालक सलोना अवध भोपे का, बन के बालक सलोना अवध भोपे का, मेरे नैनों में अनुपम साछा गया, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता मेरे घर आ गया। तभी चैत्र मास आया, 9वीं तिथि आई, पुनर्वसु नक्षत्र आया, और कर्क लग्न में, कर्कटे लग्न महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, कर्क लग्न में माता कौशल्या अपने कक्ष में बैठकर विचार ही कर रही थी कि मेरा बेटा कैसा होगा, 12 माह हो गए, इसका जन्म कब होगा, प्रतीक्षा कर रही थी। और तभी सामने से देखती हैं तो प्रकाश के प्रकाश का एक पुंज, उस पुंज में करोड़ों करोड़ कोटि कोटि सूर्य, कोटि कोटि पृथ्वी, कोटि कोटि चंद्र, सभी ग्रह, और उन ग्रहों के बीच में से एक प्रकाट्य पुंज, और पुंज में से आता हुआ एक 12 वर्षीय बालक चतुर्भुज रूप में, कानों में मकराकृत कुंडल, गले में भूषण माला, घुघराले बाल, सुंदर से उनके अधर, बड़े बड़े नेत्र, कमल के पुष्प के समान नेत्र, वो बालक माता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या Bye.
प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी। आप सभी को इस पावन पंडाल में प्रभु श्री राम के प्राकट्य की बधाई हो। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, 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 जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, राजा 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 दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, मोहर लुटावे राजा सोना लुटावे, मोहर लुटावे राजा सोना लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, और लुटावे देखो गैया आज जन्मे ललनवा, राजा लुटावे जावी से जो नृत्य कर रहे हैं वो नृत्य करें, बाकी कमेटी वाले कह रहे हैं कि अभी आराम से जरा बैठे, अंत बधाई पे नृत्य करवाएंगे। पंडित आवे रतिया बिचारे, पंडित आवे रतिया बिचारे, पंडित आवे रतिया बिचारे, पंडित आवे रतिया बिचारे, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा।
भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन जन्म हुआ इस अयोध्या पुरी में और बड़ी बधाइयां बज रही हैं। राजा दशरथ हीरे लुटावे ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की बधाई जितने भक्त यहाँ प्रांगण में बैठे हैं जितने भी भक्त प्रांगण में बैठे हैं सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बधाई लें। देखिए तन मन धन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जिसके पास तन है वो नाच करके सेवा करें जिसके पास मन है वो प्रभु का स्मरण करें और जिसके पास धन है वो धन से भी सेवा करें तो सभी भक्त बधाई लें ये पंडित जी महाराज और श्री रामचंद्र जी को लेकर के इस पंडाल में घूम रहे हैं सभी को बधाई लेनी है और गानी है मिलकर के आइए रानी कौशल्या पलना पढ़ावे रानी कौशल्या पलना पढ़ावे हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या
काजल उठावे अनि धन सोना हमारे लिए सबके हैं, आपके भी हैं, तो इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जो भी नृत्य करना चाहते कर सकते, पर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिस जिसको करना है, जबरदस्ती कोई नहीं, जिसके राम जी हो वो करे, जिसके ना हो बिल्कुल ना करे, बैठा रहे। Allah, come on, 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 come on
सभी पंडाल में बैठे हुए श्रद्धालु गणों को श्री राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखिए इधर बड़ा सुंदर बधाइयां बज रही हैं अयोध्या में। चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है और देवता बधाई दे रहे हैं और सब मिलकर के बधाई दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और लाला की सुन के मैं आई। सभी कमेटी वालों से अनुरोध है कि एक बार पुनः मंच पे आ जाएं। सभी कमेटी वाले इकट्ठे हो जाएं, जितने यहाँ कमेटी हैं बधाई में शामिल होने के लिए आगे इकट्ठे हो जाएं। सभी कमेटी वालों से निवेदन। लाला की सुन के मैं आई ओ मैया, लाला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के लाला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की ओ तेरे लाला की असुरी रामा के सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। देखिए बधाई सभी को देनी है, जितने पंडाल में बैठे हैं सभी सबको बधाई देनी है। और कमेटी वाले जरा आ जाए मंच पे, ये सभी संगीतकार हैं, बधाई संगीतकारों को भी दी जाती है। जितने कमेटी वाले हैं सभी संगीतकारों को बधाई देकर सम्मानित करें। कमेटी के स्वराज के मुख्य यजमान जी भी आ जाए। लाला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। हो बधाई लेने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, हरी बिलूंगी मैं तो चूड़ी बिलूंगी, 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 चूड़ी बिलूंगी मैं तो चूड़ी बिलूंगी, चूड़ी बिलूंगी मैं तो चूड़ी बिलूंगी, हरी बिलूंगी मैं तो चूड़ी बिलूंगी, हरी बिलूंगी मैं तो चूड़ी साड़ी की चूनर की साड़ी की लुंगी कढ़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। साड़ी की लुंगी कढ़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। Thank you.
इक्कीस न लेंगे इक्यावन न लेंगे, 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 इक्कीस न लेंगे इक्यावन न लेंगे। और सुनो मैया, आज अयोध्यापुरी में राम जी का जन्म हुआ है। हो गई बड़ी महंगाई, हो गई बड़ी महंगाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हो गई बड़ी महंगाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हो गई बड़ी महंगाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हो गई बड़ी महंगाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। सभी कमेटी वालों से निवेदन, जो भी कमेटी के सदस्य हैं वो एक बार मंच पे आ जाएं सभी, और आज के मुख्य यजमान जिन्होंने पूजन कराया था वो परिवार के साथ आ जाएं, क्योंकि आज के मुख्य यजमान बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो आज के मुख्य यजमान बने और श्री रामचंद्र जी का पावन जन्म आज के दिवस में हुआ, और आकर के बधाई प्रकट करें। सुनो यजमान जी, आज की बधाई इक्कीस न लेंगे इक्यावन न लेंगे, इक्कीस न लेंगे इक्यावन न लेंगे। और कितने लोग, कितने कितने, ग्यारह हजार की बधाई, ग्यारह हजार की बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। आज की ये जो कौशल्या मैया है ये मंच पे खड़ी है, क्योंकि आज की यजमान भी हैं और कौशल्या मैया भी हैं, और कौशल्या मैया से बधाई दी जा रही है। और तेरे लाला के सुनने में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला के सुनने में आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। और मैया जुग जुग जीवे तेरो लाला जी मैया, 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 जुग जुग जीवे 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 जीवे, जुग जुग जीवे लाला जी मैया, जुग जुग जीवे तेरो लाला जी मैया। और मिलकर खुशियाँ मनाई, लाओ मैया बधाई, मिलकर खुशियाँ मनाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। मिलकर खुशियाँ, कौशल्या मैया दे दो। इनकी बात समझ में न आई, और मैया ने नजर बचाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। और देखिए बड़ा सुंदर
दिवस याद मेरी ही चौखट पे चल के आए चारों धाम आए मेरी चौखट पे चल के चारों मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं मेरी चौखट पे चल के आज चारों कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से नयों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से और आज कितना सुंदर दिन है बहुत ही खुश हैं मेरे आंसू बहुत ही खुश हैं मेरे आंसू प्रभु के काम आए हैं बहुत ही खुश हैं मेरे आंसू प्रभु के काम आए बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं और सभी अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएं सभी भक्त श्रद्धालुगण अपने स्थान खड़े हो जाएं इस भजन के बाद आरती होगी और खड़े होकर के नृत्य करना है अपनी जगह कहते हैं कि जो भगवान के दरबार के आगे जो श्री रामचंद्र जी के आगे नाच लेता है उसे सारे जमाने के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए जरा प्रेम से खुल कर नाचे यहाँ बहुत ही खुश हैं मेरे आंसू प्रभु के काम आए हैं बहुत ही खुश हैं मेरे आंसू प्रभु के काम आए बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे सृष्टि के तन कन से पूछो तुमको खोके क्या पाया है सृष्टि के कन कन से पूछो तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो कौशल्या आज तारी मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम Thank you.
और सभी बधाई दें। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। एक भजन और इसके बाद भगवान की भावना। आज आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। सभी बैठ जाएं अपने स्थान पे। एक भजन और उसके बाद संचालन करता जी संचालन करेंगे, उसके बाद आरती। सभी भक्त अपने स्थान बैठ जाएं। मैंने सभी कमेटी वालों को बुलाया था, शायद वो इसलिए नहीं आए इस मंच पे कि बधाई देनी पड़ जाए। श्री रामचंद्र भगवान जी हर एक बार नाचने के लिए आ जाते, बधाई की कोई बात नहीं। आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। आज से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। जन में रग राई है, 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 जन में रग राई है। आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। जन्म की बात है, रामा भी साथ है। जन्म की बात है, राम जी साथ है। ये जन्म की बात है, रामा भी साथ है। जन्म की बात है, रामा जी साथ मेरे प्यारे रामा का गंगा सुंदर सा नाम है। मेरे प्यारे रामा का गंगा सुंदर सा नाम है। मेरे प्यारे रामा का कितना सुंदर सा नाम है। मेरे प्यारे रामा का कितना सुंदर सा नाम है। नाम भी सुंदर और दरबार भी बड़ा सुंदर है। हमारे प्यारे प्रभु जी का कितना सुंदर दरबार है। हमारे प्यारे प्रभु जी का कितना सुंदर दरबार है। ऐसा लग रहा स्वर्ग से हो रही अमृत की बरसात है। अमृत की बरसात है, अमृत की बरसात है, अमृत की बरसात है, अमृत की बरसात है। ऐसा लग रहा स्वर्ग से हो रही, ऐसा लग रहा स्वर्ग से हो रही अमृत की बरसात है। अब जरा दोनों हाथ उठा दो एक बार, बोले श्री रामचंद्र भगवान की और बजा के तालियां। जागे की रात है, रामा साथ है, रामा जी साथ है, रामा जी साथ है। ओ जन्म की बात है, प्रभु जी साथ है। जन्म की बात है, प्रभु जी साथ है। जन्म की बात है, प्रभु जी है। Oh, 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 oh,
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बधाई अगर पहले देते थे तो शायद अपन कार्यक्रम और पहले बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। चलिए कमेटी वाले ने बधाई दे दी और भगवान रामचंद्र की जन्म पर आज सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं हमारे वो बोली का काम तो बाद में रखूंगा, हमारे खेरोड गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी वो हमारे बीच में हैं और वाइस प्रिंसिपल साहब श्रीमान पाटीदार जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा मंच पर। आप पधारे, कमेटी आपका स्वागत करना चाहती है। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी प्रधानाचार्य महोदय हमारे साहित्यकार और कवि भी हैं, हम एक 5 मिनट लेंगे समय उनका सुनेंगे। मैं व्यासपीठ से अनुमति चाहूंगा कि हमारे प्रिंसिपल साहब हमको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले एक भारतीय राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन हुआ था उत्तर प्रदेश में, श्रीमान प्रिंसिपल साहब के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बद्रीलाल जी पाटीदार, पता नहीं और निर्मल जी पता जाए। आपने कविता की एक किताब लिखी है चले चंद्रलोक, वो आप दीदी को भेंट करना चाह रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच में जगदीश जी शास्त्री के पिताश्री सोनपुर से हमारे बीच पधारे हैं भवानी शंकर जी, आपको भी मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान भवानी शंकर जी। आप सभी ताली बजाकर अभिवादन करें। ये किताब लिखी है सर ने, पूरे भारतवर्ष में चल रही है चले चंद्रलोक, और अब अभी 6 तारीख को राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन था भरतपुर मथुरा के पास, वहां पर आप गए थे और जिसका अभी 2 दिन पहले अखबार में भी आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीदी से आग्रह करूंगा आपको पढ़ना पहना के स्वागत करें। श्रीमान वाइस प्रिंसिपल साहब आप भी चलिए आइए, आपसे भी आग्रह करूं कि आप भी ऊपर पधारे। अब मैं श्रीमान वाइस प्रिंसिपल साहब चंद्र प्रकाश जी से निवेदन करूं कि आप 2 शब्द 5 मिनट हमारे को मार्गदर्शन करें। श्रीमान बोलो राघवेंद्र सरकार की, माँ भारती को नमन, भारत भारती को नमन, वज्रांग देव अंजनी सूत के चरणों में बारंबार नमन, व्यासपीठ को आदर सहित नमन। आज मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूं, इतना भाव विभोर हूं कि क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या बोलूं। व्यासपीठ के सामने बोलना ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य प्रकाश को चंद्र प्रकाश दिखाना है, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न है इस कारण भी कि आज ये पूरा महत्व का खरपर पद्रक नाम से जो खेरोट हो गया, बड़ा आह्लादित है कि इस गांव में भगवान राम जी जन्मे हैं, तो एक कवित्व राम जन्म पर प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मन मयूर मुदित हो तू नाच रहा,
साकेत धरा पे आप राम जी पधारे हैं। आज मन मयूर मुदित होत नाच रहा, खेरोट धरा पे आज राम जी पधारे हैं। हर नर पुलकित अग जग हर्षित, अगणित कंठ राम नाम को उचारे हैं। बिना वध अवध कहाय ये पवित्र धरा, बिना युद्ध कारण अयोध्या नाम धारे हैं। ऐसी भूमि पूजनीय पूजती है ऐसी भूमि, चंद्र राघवेंद्र पर तन मन वारे हैं। ऐसी भूमि पूजनीय पूजती है ऐसी भूमि, चंद्र राघवेंद्र पर तन मन वारे हैं। और क्यों न हो मुदित मन, एक अच्छे गृहस्थाश्रम की संकल्पना रामचरितमानस से ही हो सकती है कि जब पिता कहूं या देवता, माता देवी मान, नेह कृपा मिलती जहां घर देवालय जान, घर देवालय जान भाई हो भुजा सरीखे, बहना कहना यही प्रेम तुमसे ही सीखे, दादा दादी नहीं भव्य भावों की सरिता, दिखे पिता में देव देव के रूप में पिता, ये सिखाती है रामचरितमानस। कल पुरादीप्ति शैली में पहले हमने वैदेही वनवास देखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने दोनों खंड का भी लिखे हैं, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास। ऐसा लगा प्रिय प्रवास यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के प्रवास को लेकर के है, तथापि ऐसा लगा कि हमारे प्रिय राम है, उनका प्रवास आज खेरोट में हो गया है, हम धन्य हो गए हैं। रामायण ये सिखाती है न कि ये कि दादा जी को डांटते पापा सुबह शाम, मुझे देखना चाहते आज्ञाकारी राम, ये नहीं सिखाती। और ये जब हम सीखने लगते हैं तो महाभारत होना शुरू हो जाती है। तो हम बड़े, मैं कहूंगा बड़े भागी हैं कि चैत्र का मास और मेरा खेरोट चेत गया है, उसमें चेतनता आ गई है। मैं समझूंगा कि यहाँ का हर एक बच्चा राघवेंद्र सरकार की प्रेरणा लेगा, उनसे प्रेरणा लेगा और अच्छे आदर्श स्थापित करेगा। कहने को बहुत कुछ है लेकिन राम कारक हैं, राम तारक हैं और राम की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हैं अग्रगण्य वज्रांग देव हनुमान जी महाराज। और राम से ही सारी विभक्ति कर्ता से लेकर के संबोधन तक पूरी हो जाती है। बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिखा भी है कि रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे रामेणा भियता निशा चरचमु, रामाय तस्मै नमः रामान अस्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोऽस्म्यहम रामे चित्तलये सदा भवतु मे, भो राम मां मुद्र, हे राम हमारा उद्धार करें। बोलो राघवेंद्र सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आज श्री राम जन्म, राम का जन्म हुआ खेरोट में और खेरोट पूरी अयोध्या बन गई है और अपने अंदर जो है ऐसे भाव आ गए हैं कि हम अयोध्या के उसी अयोध्या के वासी हैं, ऐसा हमारे सामने चित्रण किया गया है व्यासपीठ से। और अभी बात कर रहे थे कि 21 तारीख को पूरा राम राज हो जाएगा खेरोट में, लेकिन अभी अभी कहते हैं कि राम ऐसा कोई गलत काम होता है राम राज है क्या? तो राम राज का अर्थ ये है कि अच्छे काम करना, ऐसा नहीं हो कि रोड पे थोड़े तो आ रहे हैं और 21 तारीख बाद और रोड पे होटलियां बना लो जो बाजार में निकलने की जगह कम हो जाए, ऐसा मत करना भाई राम राज का। क्योंकि खेरोट में वास्तव में एक मोटरसाइकिल आ जाए किसी भी बाजार में, गली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाजार में तो ट्रैक्टर नहीं निकले। हमारे मेहमान आते हैं कोई भी कार लेके किसी के भी, तो उनको कहते हैं पहले हम आगे आगे मोटरसाइकिल लेके चलेंगे उसके बाद तुम पीछे पीछे कार लाना, ऐसा नहीं हो कि कहीं ना किसी ने रेत का ढेर लगा रखा हो, ईंटे डाल रखी हो और गाड़ी पीछे जावे ना आगे वहीं फंस जावे। तो ऐसा राम राज नहीं लाना है, राम का राज ऐसा लाना है कि अपने खुद का त्याग करना है पहले और उसके बाद अपने गांव को जो है अच्छा राम राज बनाना है। हम खेरोट वाले यही अपेक्षा करते हैं, एक दूसरे से उसमें मैं भी आ गया हूं कि अपने को अच्छा सुशासन स्थापित करना है राम के, इससे ये सीखना है। धन्यवाद। चलिए साहब बोली के लिए जिस किसी भी इच्छा है बोली वही चल रही है कल वाली,
कल वाली बोली चल रही है, जिस किसी इच्छा है वो अभी बोल दे और बाद में बोले तो कमेटी वालों को आप बोल सकते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चलिए सब आरती के लिए यजमान पधार जाएं। आज मैं अंबाला जी राव, पिंके जी राव और पूरे परिवार को कमेटी की तरफ से, खेरोट नगर की तरफ से प्रसाद वितरण, यजमान बनने और आरती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हरि हो चंद्रमा मनसो जात चंचसौ सूर्य जाय श्रोता सुवृण मुखाद नीरजात नमो नमः। जगे मग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगे मगे ज्योत जली है, राम आरती होने लगे है। जगे मगे ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगे है। भगति दीपक ज्ञान की बाती, आरती करत संत दिन राती। भगति दीपक ज्ञान की बाती, आरती करत आशा की किरणा उमड़ी है, राम आरती होने लगी है। जगमगे ज्योत जगी है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम होई चित चेता। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम होई चित चेता। वाम भागे में जनक लली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, राम आरती होने लगी। जगमग ज्योत जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, राम आरती होने लगे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित तुलसी गावे। आरती हनुमत के आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित तुलसी गावे। भगतन की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग ज्योत जगी है, राम आरती होने लगे। जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगे
मगे जगे मगे ज्योति जगी है राम हरि होने लगी है जगे मगे जगे मगे ज्योति जगी है राम हरि होने लगी है जगे मगे ज्योति जगी है राम हरि होने लगी है जगे मगे जगे मगे ज्योति जगी है राम हरि होने लगी है राम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयाल नवम भवानी से तम नमीला भुज श्याम मलिको मिलागम सीता समारोह विद्वागम अड़ो महाराय विचार शापम नमामि राम अभी रखो मचाति नीचे नमामि राम रघुवंशनाथम नमामि राम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो यस्य त्वमेव त्वमेव विद्या द्रुढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव श्रीरा ध्यस्थतम तोयम् भ्रामितम् केशवो परिः अंगलग्नः मनुष्याणाम् ब्रह्मत्यः व्यावहतु ॐ पुण्यो अहम् पुण्यकर्माढ्यम् पुण्यात्मा पुण्यसम्भवात् त्राहि माम् पुनरीकाक्षः सर्वपुण्यप्रदो भवः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम चंद्र महामनसो जातः चक्षसः सूर्यो जायते श्रोतानि स्मरणः मुखाद्विनिर्जायतः नमः ओम यगेन यगमजं दधिवस्तावनि धर्माणि प्रत्वान्यासन्नतेनः गम्यमानाश चन्द्रियत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवः राजाधिराजय ब्रह्महिने विष्णवाये कुर्महे वयं नमः सामि कामनि काम कामाय महां कामेश्वरो विष्णवडि ददातु गोविराय विष्णवाय महाराजाय ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं स्वराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमधिपत्यमयं समन्तपर्यायि सात्तः सार्वभौमः प्रथवैय समग्रपर्यन्तायः एकराडिति तदिप्योऽसौ श्लोको विनिवेगीतो मृतः प्रविश्वरो मृताः सानवन्नग्रे अविश्चछत्तस्य कामप्रविश्वदेवः सवाचदितिः ॐ विश्वस्वरूपः विश्वतो मुखोः विश्वादावहुर् विश्वतारूपस्तुभ्रसाम्बाह्योऽहं भवते सपत्रयै कामा भूमिजैनन ए देव एकाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुमन्दपुष्पाणि यथा पादो भवानि जय पुष्पाञ्जलिः मर्यादतो बृहाडपरमेश्वर ॐ भूर्वस्व भगवते श्री साम साधि विश्वाय नमः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रदन्ताय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयादः ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयादः पितृगणाय च विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो वित्र प्रचोदयादः नमः छीटा लागे नीर का कष्ट मिटे शरीर का छींटा लागे केशर का नाम जपो परमेश्वर का छींटा लागे नीर का रोग मिटे शरीर का जयकारी लगाई सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठ करके भगवान की पावन आरती लेंगे
बोले श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की, संत समाज की, धर्म की अधर्म का।